अच्छा तुम्हें पता है चार्ल्स सोप्रानोस निकल गया जेल से। कौन चार्ल्स? बिकनी किलर भाई, बहुत फेमस है बिकनी किलर के नाम पे, पता है? वो जो नेपाल में जेल गया था। हाँ, जो नेपाल में जेल गया था बिकनी किलर के नाम पे। हाँ। बंदे ने 20 से ज्यादा लड़कियों को टपकाया अभी तक। और फिर वो छूट गया कैसे? कैसे मतलब कुछ तो बहुत पावरफुल चीज लगाई है उसने कि परमिशन लेके आया उसको अभी छोड़ देने का। रिसेंटली बीमार था बंदा, और बीमार होते ही उसको हार्ट अटैक इन सारी चीजों आने लगा। और क्या होया कि ब्लड चेंज करना की जरूरत आई उसकी, ठीक है? उसको तो ब्लड किसने दिया बताए? जो उसकी लॉयर थी ना, उसकी बेटी, लॉयर की बेटी, हाँ, ने उसको ब्लड दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है चार्ल्स सोप्रानोस। बॉयफ्रेंड है ये? क्या बोला? चार्ल्स सोप्रानोस की लॉयर की बेटी, हाँ, चार्ल्स सोप्रानोस की गर्लफ्रेंड है। हाँ। और दूसरी मजेदार बात है कि चार्ल्स सोप्रानोस का एज है 78 इयर्स। 78? हाँ। और वो बंदी का? 21। अब यार ये सुनने से पहले मैं अंदर और चार्ल्स सोप्रानोस फ्रांस का है, ठीक है? अभी उसको फ्रांस भेज दिया है। दो दिन या तीन दिन ही हुआ होगा उसको जो अभी जेल से निकाल के फ्रांस के लिए भेज दिया है। और रिसेंटली एक फोटो वायरल हो रहा था कि चार्ल्स सोप्रानोस प्लेन में बैठा है, क्योंकि ट्रांजिट आई थिंक कतार का था। चार्ल्स सोप्रानोस की साइड में दो लड़कियां हैं, कौन आ गया उसको मारने में मजा, उसको ना दो लड़कियों को मारने में मजा आता था बहुत ही ज्यादा। सीरियल किलर है ना वो? हाँ, क्या सब भूचड़ा होता। आई थिंक अभी भी ज्यादा टाइम तो बाहर ही रहने वाला उसका। यार कोई कोई बंदा का नेचर ही वही है तो उधर ही जाएगा ना फिर से। हाँ, पर एक बात तो ये अच्छा लगा मेरे को कि वो बचपन से सुनते आ रहे हैं गोरखा गोरखा बोलते हैं ना नेपाली को। अब जाके पता चला क्यों बोलते हैं यार, किधर भी नहीं पकड़ा है, नेपाल में जाके पकड़ा है यार। बहुत बहादुर है यार नेपाल के लोग। नेपाली पुलिस ने इस बार तो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है कि इसको पकड़ लिया। पर एक खराब भी है कि यार इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, वो दबाव दिया होगा ना ऊपर से उसी को। कुछ भी हो यार इसको छोड़ने का मतलब कि फिर और एक दो मर्डर तो ये कर लेगा, अब फिर से सीरियल किलिंग शुरू होगा। उसको ब्लड देने वाली लड़की है, ठीक है? तो लड़की को ही क्यों मारेगा? फिर लड़की को मारेगा नहीं यार, उसको मर्डर ही नहीं करना चाहिए। अगर उसने ये समझ लिया कि उसको ब्लड देने वाली लड़की है तो मैं लड़की को क्यों मारू, और मैं लड़की को मारता हूँ ऐसा थोड़ी ना सोचता है। नहीं नहीं अभी उसको मर्डर नहीं करना चाहिए, साधु बन के घूमेगा क्या? हाँ, रिटायर लाइफ जीना चाहिए ना अभी। क्या करेगा देखते हैं दोस्तों। बोलिए आप कुछ बोलना है तो एंडिंग करिए। मर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है? किसी को भी मर्डर नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी। मिलजुल के रहना चाहिए। हाँ, मिलजुल के रहो, भाईचारा में रखो यार। नहीं, इंसान हो, इंसान की तरह रहो, दानव जैसा क्यों रहते हो, तो सही है।